हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रकाश चौधरी, असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंट्रेक्शन सेल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा। टुडे आवर टॉपिक इज बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंटरव्यू। फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक में हम जानेंगे शरीर के हाव भाव तथा संचार शैली जो साक्षात्कार के दौरान प्रयोग की जाती है उसके बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह की होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी लैंग्वेज का अर्थ होता है शारीरिक हाव भाव। जैसा कि हम बताया गया है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये उस प्रकार का कम्युनिकेशन या संचार है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल शारीरिक हाव भाव, जिसमें कि बॉडी पोज अर्थात शरीर की मुद्रा, गेस्चर्स, इशारे और आई मूवमेंट अर्थात आँखों का मूवमेंट आता है। बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि इट में प्रोवाइड क्यूज़ टू द एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन, अर्थात आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक संकेत प्रदान करती है व्यक्ति के एटीट्यूड के बारे में और उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि उदाहरण में बताया गया है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कि आप आक्रामक हैं, आप सावधान हैं, आप बोर्डम अर्थात उदास हैं या रिलैक्स स्टेट में हैं, लेजर हैं, अम्यूजमेंट मनोरंजन में है। ये सारे संकेत हमें हमारे शरीर की भाव भंगिमा या शरीर के हाव भाव से मिलते हैं। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज के लिए कुछ बातें जानने लायक है फ्रेंड्स जो यहाँ दी गई है। सबसे पहला है गुड आई कॉन्टेक्ट, अर्थात आपका सामने वाले के साथ जो आई कॉन्टेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल या मुस्कुराहट होनी चाहिए जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगे। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ओपन होनी चाहिए, अर्थात आपका जो शारीरिक हाव भाव है वो ज़्यादा संकुचित ना होके खुला होना चाहिए। आप जो हैं वो आलसी या सुस्त प्रकार के नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज में। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो आईज या आपकी आँखें हैं, आपके नेत्र हैं, वो चमकदार होने चाहिए। हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें, एक गहरी सांस आपको लेनी चाहिए। यदि आपको इंटरव्यू के दौरान पानी का ग्लास ऑफर किया जाता है तो आपको उस ऑफर को या प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रैक्टिस योर हैंडशेक, अर्थात आपको हाथ मिलाने की जो क्रिया है उसमें अभ्यस्त होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ हम कम्युनिकेशन अर्थात संचार के बारे में जानेंगे। जैसा कि बताया गया है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका जो इंटरव्यूअर है अर्थात साक्षात्कार करता है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी संचार शैली को अपने साक्षात्कारकर्ता की संचार शैली के साथ मैच कराना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता जो भी प्रश्न आपसे पूछता है उनको सावधानीपूर्वक आपको सुनना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को बीच बीच में आपको इंटरप्ट करने से बचना चाहिए और अपने आप को जो क्वेश्चन और आंसर की प्रक्रिया है उसमें शब्द जाल बुनने से बचना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जब आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा हो तब आपको उसके दौरान फालतू की बातें या जो बातें काम की नहीं है, पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ टिप्स दिए गए हैं कि किस प्रकार का आपका साक्षात्कार की संचार शैली होनी चाहिए। सबसे पहले एक गुड हैंडशेक, अर्थात हाथ मिलाना चाहिए अच्छे से। इंटरव्यूअर जो साक्षात्कार करता है उनका जो नेम है उसको आपको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना चाहिए। गेट द इंटरव्यू टू डू ए लॉट ऑफ द टॉकिंग, मेंटेन गुड आई कॉन्टेक्ट विथ योर इंटरव्यूअर, अर्थात आपका जो साक्षात्कार करता है उनके साथ आपको एक प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। आप अगर नज़रें बचाते हैं तो ये एक अच्छे टिप या अच्छे सिंबल में नहीं आता इंटरव्यू के। आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जो वार्तालाप हो रहा है उसको आप एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा एक कॉन्फिडेंट पोस्चर अर्थात एक विश्वास की मुद्रा दिखनी चाहिए। मिरर योर इंटरव्यूअर बॉडी लैंग्वेज, आपका जो साक्षात्कार करता है उसके जो शारीरिक हाव भाव है उसको मिरर करें, अर्थात उसकी नकल करने का प्रयास करें या वैसा का वैसा बॉडी लैंग्वेज आप भी प्रस्तुत करने का प्रयास करें। कीप ऑल योर आंसर पॉजिटिव,
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी आंसर देते हैं उनमें पॉजिटिविटी या सकारात्मकता झलकनी चाहिए। इससे पता चलता है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो ऑप्टिमिस्टिक है, अर्थात आशावादी है। कभी भी पैसिमिस्टिक या नकारात्मक बातें ना करें। शो एंथुजियाज्म अर्थात उत्साह दर्शाएं। लिसन केयरफुली टू द इंटरव्यूअर क्वेश्चन। जो साक्षात्कारकर्ता आपसे प्रश्न करता है तो उसको आपको सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए, उसके पश्चात उसका जवाब देना चाहिए। आज द इंटरव्यूअर क्वेश्चन वेन द अपॉर्चुनिटी अराइव। इंटरव्यू प्रोसेस में जब आपके पास इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है तो आपको साक्षात्कारकर्ता से क्वेश्चन पूछना चाहिए, अन्यथा बीच में उनको टोकना नहीं चाहिए और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन उसी स्थिति में पूछना चाहिए जब आपको इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट। थैंक यू फ्रेंड।